हरियाणा की सियासत से बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के हरियाणा में पहले और अंतिम सीएम साबित हो सकते हैं। खरी खरी न्यूज के सर्वे ने मनोहर लाल खट्टर की लोकप्रियता की पोल खोलने का काम किया है। हजारों लोगों के सर्वे में मनोहर लाल खट्टर को सिर्फ 1.6 लोगों ने ही तीसरी बार सीएम बनाने के लिए वोट दिया है। मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के लोकप्रिय नेताओं की बजाय अलोकप्रिय नेताओं की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जा सकता है। लोकप्रिय नेताओं की श्रेणी में मनोहर लाल खट्टर को 10 नेताओं की सूची में सबसे नीचे का 10वां नंबर मिला है। अगर बीजेपी ने 2024 के चुनाव में मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो वो उसके लिए आत्मघाती फैसला साबित होगा और हरियाणा से बीजेपी सत्ता से बुरी तरह से बेदखल हो जाएगी। 2014 में बीजेपी हाईकमान ने बड़ी उम्मीदों के साथ मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का सीएम बनाया था। रामविलास शर्मा जैसे बड़े नेता की उम्मीदवारी को खारिज करके बीजेपी हाईकमान ने खट्टर साहब को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया था ताकि वो हरियाणा में बीजेपी की जड़ों को गहरी जमाने का काम करेंगे और उनके बलबूते पर बीजेपी सत्ता की लंबी पारी खेलने का काम करेगी। 2019 के चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी हाईकमान ने लगातार दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया। पार्टी हाईकमान को उम्मीद थी कि पिछली बार की नाकामियों से सबक लेते हुए खट्टर साहब बेहतर काम करेंगे और पार्टी को बहुमत के आंकड़े पर ले जाकर तीसरी बार सत्ता का सरताज बनाएंगे, लेकिन खरी खरी न्यूज का सर्वे बता रहा है कि मनोहर लाल खट्टर बीजेपी को तीसरी बार सत्ता का सरताज नहीं बनाएंगे बल्कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कराने का काम करेंगे। मनोहर लाल खट्टर इस समय हरियाणा के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका एक भी सीट पर असर नहीं है, यानी दो बार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद खट्टर साहब में इतना दमखम नहीं है, इतना वोट बैंक नहीं है कि वो अपने बलबूते पर 4000 आदमी भी इकट्ठे कर सकें और किसी एक सीट पर 5000 वोटरों का प्रभाव भी डाल सकें। करनाल जिले की 5 में से 4 सीटों पर 2024 में बीजेपी के लिए हार का खतरा मंडरा रहा है। खुद खट्टर साहब भी करनाल सीट पर संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। अगर कांग्रेस ने कोई तगड़ा प्रत्याशी वहां पर उतार दिया तो खट्टर साहब हार का शिकार भी हो सकते हैं। आप खुद ही बताइए, जिस सीएम की लोकप्रियता का ग्राफ सिर्फ 1.6% हो वो पार्टी को तीसरी बार सत्ता का सरताज कैसे बनाएगा? बीजेपी 2024 के चुनाव में अगर खट्टर साहब की अगुवाई में ही चुनावी दंगल में उतरी तो उसका अंजाम कांग्रेस का 2014 से भी बुरा होगा। 2014 के चुनाव में कांग्रेस की हालत इतनी खराब नहीं थी जितनी इस समय बीजेपी की है। 2014 के चुनाव में तीसरी बार सीएम बनने की दावेदारी ठोकरे भूपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता इतनी डाउन नहीं थी जितनी आज के समय में मनोहर लाल खट्टर की है। 2014 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के साथ में 2.5 जिले यानी रोहतक, झज्जर और सोनीपत फिर भी बहुमत के साथ खड़े थे, लेकिन खट्टर साहब के साथ तो उनका करनाल जिला भी नहीं खिड़ा है। ऐसे में बीजेपी किसके बलबूते पर सत्ता हासिल करेगी? खट्टर साहब की अगुवाई में तो बीजेपी का भविष्य 2024 के चुनाव में अंधकार में नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान को सीरियसली इस मैटर को देखना चाहिए, क्योंकि प्रदेश का जो मुख्यमंत्री 2% लोगों की भी पसंद नहीं है उसके बलबूते पर बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी। ये सच्चाई है कि 9 साल के सीएम होने के बावजूद मनोहर लाल खट्टर अपने आप को दमदार नेता के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए हैं। वो ना तो जनता के नेता बन पाए हैं और ना ही बंसीलाल और ओमप्रकाश चौटाला की तरह ब्यूरोक्रेसी को खींचने वाले प्रशासक साबित हुए हैं, यानी ना तो वो जननेता बन पाए और ना ही कर्म नेता बन पाए। यही वजह है कि बीजेपी आज उनकी अगुवाई में बेहद खतरनाक पोजीशन में खड़ी है। बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव साबित होगा, क्योंकि 2024 में अगर बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने में सफल रही तो फिर उसके लिए भविष्य सुखमयी हो सकता है, उसके लिए पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया तो खट्टर साहब बीजेपी के पहले और अंतिम सीएम भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि खट्टर साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसके चलते 2029 के चुनाव में बीजेपी का कैडर, बीजेपी के नेता और हरियाणा की जनता बीजेपी को दोबारा सत्ता में वापस लाने का फैसला ले सके। बीजेपी के लिए हालात इसलिए भी खराब हैं क्योंकि खट्टर साहब की अगुवाई में ना तो बीजेपी के नेता खुश हैं ना बीजेपी के वर्कर खुश हैं। इसकी साफ वजह भी है, बीजेपी के नेताओं को खट्टर साहब ने एडजस्ट ही नहीं किया। जहां खट्टर साहब ने लगभग 2 दर्जन IAS और IPS अफसरों को रिटायर होने के बावजूद सरकार में बड़े पदों पर एडजस्ट कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए आधी जिंदगी खपाने वाले नेताओं को एडजस्ट करने की जरूरत खट्टर साहब ने नहीं समझी है।
पिछले 4 साल से हरियाणा में मार्केट कमेटियों के चेयरमैनों की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा चेयरमैनियां भी खाली पड़ी हुई हैं। खट्टर साहब इन चेयरमैनियों को नहीं भर रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी के नेताओं की एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। सच्चाई यह है कि खट्टर साहब आज भी पार्टी के नेता की बजाय एक हेडमास्टर की तरह ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के किसी की नेता में हिम्मत नहीं है कि वो खट्टर साहब के साथ आंख से आंख मिलाकर बात कर सके, उनके सामने जाकर अपने मन की बात रख सके। खट्टर साहब का खौफ इतना ज़्यादा है कि बीजेपी के सारे नेता उनसे बात करते हुए कतराते हैं। जब बीजेपी के बड़े नेता ही खट्टर साहब से खुलकर बात नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में बी ग्रेड के नेताओं के बारे में तो आइडिया आराम से लगाया जा सकता है। बीजेपी के वर्करों को भी इस बात का मलाल है, इस बात की शिकायत है कि उनकी ही सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होती है, बल्कि ब्यूरोक्रेसी ही हरियाणा में राज कर रही है। मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में ब्यूरोक्रेसी ही हरियाणा की असली सरकार है, और खट्टर साहब भी जहां नेताओं को बेईमान और चोर समझते हैं, वहीं अफसरों पर उनका पूरा भरोसा है। यही वजह है कि 2 दर्जन अफसर तो रिटायरमेंट के बाद भी घर नहीं गए, जबकि पार्टी के लिए बरसों तक पसीना बहाने वाले नेताओं को अभी तक 9 साल की सरकार में एडजस्टमेंट नहीं मिली है। जब खट्टर साहब पार्टी के नेताओं को एडजस्ट नहीं करेंगे, जब खट्टर साहब पार्टी के वर्करों के साथ घुलमिल कर काम नहीं करेंगे, तो ऐसे में तीसरी बार बीजेपी की सरकार सत्ता में कैसे आएगी। खट्टर साहब की लोकप्रियता का ग्राफ 2% से नीचे रहने का कारण यह कि बीजेपी के नेता और वर्कर खुद नहीं चाहते कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने और खट्टर साहब उसमें सीएम बने। खट्टर साहब को लेकर प्रदेश की जनता को छोड़िए, बीजेपी के खुद के कैडर के अंदर भी कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है। यानी बीजेपी का कैडर नहीं चाहता कि खट्टर साहब सीएम की कुर्सी पर और भी बने रहें। यही वजह है कि खट्टर साहब की अगुवाई में बीजेपी के लिए 2024 में तीसरी बार सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं है। यानी अगर खट्टर साहब के ऊपर ही बीजेपी हाईकमान ने भरोसा जताने का काम किया और उनके अगुवाई में ही 2024 का चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो वह बीजेपी के लिए आत्मघाती फैसला साबित होगा और इस फैसले के चलते बीजेपी का हरियाणा में सुपड़ा साफ हो जाएगा। मनोहर लाल खट्टर की लोकप्रियता का ग्राफ खरी खरी न्यूज ने उजागर कर दिया है, उसको बेपर्दा कर दिया है और ये बता दिया कि हरियाणा की जनता में मनोहर लाल खट्टर को लेकर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है और 2% से कम लोग उनको सीएम के पद पर तीसरी बार देखना चाहते हैं। अगर बीजेपी के नेताओं और वर्करों में भी अंदरूनी तौर पर सर्वे करा जाए, तो बीजेपी के भी 99% नेता और वोटर यही कहेंगे कि खट्टर साहब को बदल दो। अगर बीजेपी हाईकमान ने 2024 में खट्टर साहब की जगह दूसरे नेता को आगे करके चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो बीजेपी सत्ता में वापसी का सपना देख सकती है। चाहे बीजेपी अनिल विज को सीएम बनाए, चाहे बीजेपी भूपेंद्र यादव को सीएम बनाए, चाहे बीजेपी राव इंद्रजीत को सीएम बनाए, तीनों ही चेहरे मनोहर लाल खट्टर से बेहतर साबित होंगे और उनकी अगुवाई में बीजेपी सत्ता में वापसी का सपना देख सकती है। बीजेपी अगर ब्राह्मण वोट को लेकर दोबारा से रामलाल शर्मा को भी सीएम बना दे, तो उनकी अगुवाई में भी बीजेपी वापसी का दावा ठोक सकती है। लेकिन ये फाइनल बात है कि मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बीजेपी किसी भी सूरत में 2024 के चुनाव में हरियाणा में सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। ये कड़वा सच है कि मनोहर लाल खट्टर की लोकप्रियता जनता में जरा भी नहीं है। जनता में उसे पसंद करने के बजाय उन्हें नापसंद किया जा रहा है और खुद पार्टी के खुद बीजेपी के कैडर के अंदर भी मनोहर लाल खट्टर को लेकर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, उनके साथ कोई लगाव नहीं है, उनके साथ कोई प्यार नहीं है। यही वजह है कि 2024 में मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बीजेपी का बंटाधार होता हुआ नजर आ रहा है। अब बीजेपी हाईकमान को देखना है कि क्या वो खट्टर साहब के अगुवाई में चुनाव लड़ाकर अपनी सरकार का बंटाधार करने का काम करेगी, या उन्हें चुनाव से पहले हटाकर उनकी जगह किसी दूसरे चेहरे को सीएम बनाकर वो तीसरी बार सत्ता का सरताज बनाने की सीरियस कोशिश करेगी। सच्चाई ये है कि बीजेपी को हरियाणा में बेहद जल्दी ही ऑपरेशन करने की जरूरत है। अब ये बीजेपी हाईकमान को तय करना है कि वो ऑपरेशन गुजरात पैटर्न का होगा या वो ऑपरेशन उत्तराखंड के पैटर्न का होगा। लेकिन ये साफ है, ये बिल्कुल खरी खरी बात है कि अगर बीजेपी हाईकमान ने हरियाणा में तत्काल ऑपरेशन नहीं किया, तो बीजेपी के लिए बहुत देरी हो जाएगी और मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बीजेपी की किश्ती डूबने का प्रबंध हो जाएगा। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी हाईकमान हरियाणा के सियासी हालात को भांपने और नापने का काम सीरियसली करता है, या मनोहर लाल खट्टर के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी छोड़कर 2024 के चुनाव में कर्नाटक और हिमाचल की तरह अपना बंटाधार करने का काम करता है।
हरियाणा में बीजेपी हाईकमान के आगामी फैसले को जानने के लिए हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की लोकप्रियता का ग्राफ अगले महीनों में नापने के लिए और हरियाणा में बीजेपी के 2024 में भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।